राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति पर जोर देते हुए चिंता जताई है। पत्रिका के संपादकीय में दावा किया गया है कि देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या असंतुलन देखने को मिल रहा है। संपादकीय में इसकी वजह मुस्लिम आबादी में वृद्धि बताई गई है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका में जनसंख्या के लिहाज से नीतिगत हस्तक्षेप की अपील भी की गई है। इसके साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर जनसंख्या वृद्धि को लेकर निशाना भी साधा है। पत्रिका में बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद कुछ क्षेत्र में धर्म विशेष की जनसंख्या संतुलित नहीं है। खासतौर पर सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में काफी वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही संपादकीय में ये टिप्पणी की गई है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के लिए जब संख्या अहम होती है तो ये जनसंख्या फैसले को प्रभावित करती है, लिहाजा इस प्रवृत्ति को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में दावा किया गया है कि देश के सीमावर्ती राज्यों में खासतौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड में मुस्लिमों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। संपादकीय में इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसकी वजह इन राज्यों में अवैध घुसपैठ की वजह से मुस्लिमों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही पत्रिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अपने देश में संसाधनों की उपलब्धता, भविष्य की जरूरतों और जनसंख्या संतुलन की समस्या में ध्यान रखते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाकर उसे सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए।